नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के स्मार्टफोन ब्रांड लावा के अपकमिंग स्मार्टफोन, जो बहुत जल्द आपको मार्केट में दिखने वाला है, और इसका नाम है लावा ब्लेज। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे और देखेंगे इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, क्या क्या नए फीचर्स आपको मिलते हैं और किस रेंज में आपको ये स्मार्टफोन मिलता है। तो सबसे पहले हम इसका डिज़ाइन देखें तो काफ़ी यूनिक सा इसका डिज़ाइन है, और ये एक चीप बजट रेंज में मिलने वाला स्मार्टफोन है जो कि आपको लगभग 8,500 रुपये से कम कीमत में मिल जाएगा। इसमें आपको मिलेगी 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी को आप इसमें बढ़ा पाओगे 512GB तक, स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का दिया गया है। इसमें आपको 6.51 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 PPI की दी गई है। 420 nits की आपको इसमें ब्राइटनेस मिलेगी और स्क्रीन टू बॉडी रेशो 89% का दिया गया है। मोबाइल की हाइट होगी 164.3 mm, थिकनेस इसकी 8.7 mm और विड्थ इसकी 75.6 mm की दी गई है। वेट लगभग 195 ग्राम का होगा और इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई आपको मिल जाएगी। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर मिलेगा 5 MP का सेल्फी कैमरा। रियर में आपको ट्रिपल कैमरा दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा 13 MP का, 2 MP डेप्थ सेंसर और तीसरा AI लेंस कैमरा विद LED फ्लैशलाइट दिया गया है। बैक पैनल इसका बिल्कुल फ्लैट आपको मिलेगा, जिस पर आपको स्टाइलिश ग्लास फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, नीचे लावा की ब्रांडिंग, और रियर में आपको सेंटर में एक छोटा सा गोला जिसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल को देखें तो ये भी आपको ग्लास का ही मिलेगा, जो काफी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आपको राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड बिल्कुल खाली है, और लेफ्ट साइड में मिलेगी आपको सिम ट्रे, जहां आप 2 SIM कार्ड और 1 memory card तीनों एक साथ लगा सकते हैं। मोबाइल के बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। इसके अलावा बॉक्स कंटेंट में आपको एक 10W का चार्जर अडैप्टर मिल जाता है, और इसमें आपको चार्ज करने के लिए जो केबल है वो टाइप सी ही मिलती है। मोबाइल के बैक पैनल में ग्लास फिनिशिंग है, तो आपको लावा जरूर इसके साथ एक कवर भी फ्री दे देगा। एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें 11 मिलेगा। अब बात करें इसके प्रोसेसर की, तो अगर लावा सभी कंपनियों की तरह यूनिसोक की तरफ जाता है, तो तब तो आपको इसमें 1.8 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर और चिपसेट यूनिसोक T610 का मिलेगा, और अगर अपना पिछले वाला ही रखता है MediaTek का, तो तब तो आपको इसमें मिलेगा 2.3 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर और चिपसेट MediaTek Helio 822 का, 12 nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक माली G52 के आपको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा लावा आपको इसमें OS का अपडेट भी देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, 15 जून तक ये स्मार्टफोन आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास ये लावा ब्लेज का डमी है, जैसे ही हमारे पास स्मार्टफोन पहुंचता है आपको यहाँ पर अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर कुछ काम आई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।